Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. Warm welcome with another new exciting vlog. Hope you guys are good, fine, happy and healthy. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है टी टाइम स्नैक के साथ और मैं यहाँ पर खा रही हूँ ड्राई केक पर पीनट बटर लगा कर मैं खा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही थी और इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मुझे अपनी क्रेविंग कंट्रोल का नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा कि यार इसको खाते हैं चाय के साथ, इंजॉय करते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, एक्साइटिंग सा, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग करने और शॉपिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसी शॉपिंग जो कि मैं यूजुअली नहीं करती, बहुत ओकेजनली करती हूँ. तो बस अभी यहाँ पर आ गए हैं हम लोग ट्रू डिस्काउंट की शॉप के बिल्कुल सामने, क्योंकि मैंने सुना था इस शॉप के बारे में कि काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है किड्स की. तो आज बेसिकली मैं बेबी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, जो कि मेरी मोस्ट 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 फेवरेट एक्टिविटी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि दो तीन जो मेरी नेबर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं यहाँ पर आई हूँ. लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर कलेक्शन थी उनकी वो डेली वेयर की थी, कैजुअल सी नॉर्मल सी कलेक्शन थी, कुछ इस तरह नहीं था जैसे फेस्टिव वेयर या पार्टी वेयर होता है, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया. तो काफ़ी हम लोगों ने, मैंने और हस्बैंड ने काफ़ी से रोम अराउंड किया, काफ़ी देखा, लेकिन हम लोगों को कोई भी डिज़ाइन ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, बस नॉर्मल से कपड़े पहनने वाले डेली रूटीन के थे. लेकिन मुझे गिफ्ट करना था, जो हमारे घर बहुत प्यारी सी बच्चियाँ आती हैं दो, उनमें से एक बच्ची जो छोटी वाली है उसकी बर्थडे है. तो ये व्लॉग जो है बेसिकली मैं बर्थडे के बाद अपलोड करूँगी, लेकिन पहले से ही मैंने इसको एडिट करके लाइनअप कर लिया है कि इंशाल्लाह ताला जब उसकी बर्थडे गुजर जाएगी तो मैं व्लॉग फ़ौरन से अपलोड कर दूँगी. तो ये उसकी बर्थडे से दो या तीन दिन पहले की बात है, जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे. तो मुझे ना बस यहाँ पर कुछ ख़ास अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आई. हाँ, जीन्स के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे, क्योंकि मुझे जीन्स के कपड़े बच्चों के बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मैं पहले भी एक बार उसे गिफ्ट कर चुकी हूँ, तो बार बार एक चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता. तो बस फिर काफ़ी सारा हम लोगों ने घूमा देखा, लेकिन हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस नॉर्मल से कपड़े थे डेली वेयर के, जो हमें पसंद आया था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, या तो बहुत बड़ा था या फिर बहुत छोटा था, मतलब उसके साइज़ का ना बच्ची का कुछ मिल ही नहीं रहा था. तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पर. तो हम लोगों ने सोचा यार इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा कहीं और जाए और कहीं और जाकर जो है ना वो शॉपिंग कर ले. वहाँ से निकलकर थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद हमें ये वाला मॉल नज़र आया, जिसका डिस्प्ले बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ चले जाते हैं. वैसे भी मैं यहाँ नहीं गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी दिनों पहले ही खुला है, तो मैंने सोचा यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर देखते हैं कि किस तरह की वैरायटी आई हुई, क्योंकि इनका डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छी दूर से नज़र आ रहे थे. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चले जाते हैं. वैसे भी यहाँ मुझे काम से जाना था, मुझे अपनी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी. तो लकीली हम लोगों को यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स नज़र आई, कहते हैं ना जिनको देखते ही आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है. तो मुझे और रिजवान को देखते ही एकदम से ना बस बिल्कुल पसंद आ गई, यार ये ले लेते हैं, क्योंकि ना वो साइज़ भी अवेलेबल थे, कलर्स भी माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे थे. तो एक ही पिंक कलर के रिजवान को पसंद आ रही थी और मुझे ग्रीन कलर की पसंद आ रही थी. अभी मैं आपको तीनों कलर्स दिखाऊंगी, तीन कलर्स में ये अवेलेबल थी. हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ना डिसाइड कर लेते हैं, तीनों को एक साथ रख के देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा प्यारी लगती है, तो फिर हम लोग वो ले लेंगे. फिर रिजवान को पिंक इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा चलें यार आप ये पिंक कलर की ले लेते हैं, क्योंकि वाकई बहुत क्यूट सी लग रही थी देखने में, वाइट और ग्रीन पिंक और ये फॉन कलर का जो कंट्रास्ट था बहुत खूबसूरत लग रहा था. अच्छा, हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग कर ली और इतना लेट भी हो रहे थे कि देखा भी नहीं कि एक तो ना वापस आते ना इसकी ये बोर्ड टूट गई, पता नहीं कैसे टूट गई, और दूसरा जो ये लॉक लगा हुआ था कपड़ों के ऊपर, ये लॉक भी नहीं खोल के दिया उन्होंने. इस वक्त हम लोग आए हुए, आप बराबर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मॉल में आए हुए. यहाँ से मैंने बेबी शॉपिंग की थी कल. तो हुआ ये कि कल हम लोग इतनी जल्दी में थे और लेट भी बहुत हो गया था, तो यहाँ ना पर ड्रेस पे एक लॉक लगा हुआ होता है. बच्चों का अक्सर जो लोग बेबी शॉपिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि जो ड्रेस पे लॉक लगाते हैं, तो वो लॉक ना खुलवाना हम लोग भूल गए, और जो काउंटर पे थे वो भी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने भी नहीं देखा. तो हम लोग अभी यहाँ पर वो लॉक खुलवाने के लिए आए हैं. जवाहर इस्तांबुल नाम है, बहुत प्यारा नया मॉल खुला है, बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर. तो बस अभी रिजवान भी सामने से आ रहे हैं. मुझे याद ही नहीं कराया, क्या भला लॉक खुलवा लिया, क्या नहीं याद कराया, पता है क्या
मास्क लगाए बगैर मैं चला गया था अंदर। तो फिर क्या हुआ? सारे मुझे ऐसे देख रहे थे, पता फाइन कितना है। अभी कोई मामू जी आ जाएंगे ना, मामू जी मतलब शुरता, अभी लग जाती वाट। अच्छा, तो आपने फिर वो अभी चेंज नहीं करवाया? नहीं, वो तो खोल दिया उन्होंने। अच्छा, खोल दिया। 1000 रियाल फाइन है भाई, क्या करें, मजबूरी है। हाँ भाई, और मास्क अगर फाइन ना भी हो तो फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आपको मास्क जरूर चाहिए। ये वाला जो मास्क है वो भी इसी मॉल से मिला था, तो असल में मैं लेने यहाँ पर मास्क आई थी, और मास्क के साथ मुझे 2-3 चीजें और अच्छी लगी तो वो भी मैंने यहाँ से ले ली, तो मुझे काफी अच्छा लगा मॉल। तो जो लोग यहाँ दमाम में रहते हैं तो वो प्लीज यहाँ पर जरूर विजिट करें, क्योंकि बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। और ये मैं आपको नाम दिखा देती हूँ, उसका नाम है जवाहर इस्तांबुल। यहाँ से हम लोगों ने लिए थे बेबी ड्रेस। इसके बाद मैं आपसे सारी शॉपिंग करने के बाद घर जाके आपसे मिलती हूँ। तो जी, लॉक खुलवाने के बाद ये हम लोग घर आ गए थे, और साथ ही हमें थोड़ी सी और चीज़ें लेनी थी, जो कि मेरा भाई है उसको भी गिफ्ट करना था, तो उसने सोचा कि वो ये छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं बच्चियों के किड्स आइटम वो भी ख़रीद ले साथ में। तो उसने पिंक कलर की फ़्रॉक से मैच करके ये ले लिया, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़्रॉक के साथ मैंने एक और चीज़ भी ली थी उसके लिए बहुत प्यारी सी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये एक्सेसरीज दिखाती हूँ जो कि मुझे इतनी पसंद है बच्चियों की, बस मैं इस सेक्शन में जाती हूँ ना, मैं रिजल्ट करता है मैं सब कुछ खरीद लूँ। फिलहाल अभी तो रुफैदा के लिए हमने ये सब चीज़ें ली हैं, पोनिया छोटी छोटी सी, इस पर देखिए क्राउन बना है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। साथ में एक ही मुझे बैंड तो बहुत प्यारा लगा था, ऐसी चीज़ें बच्चियों पर बहुत प्यारी लगती हैं फ्रॉक्स के साथ, तो एक हमने ये ले लिया था। साथ में उसको पोनी बनाने का बहुत शौक है, तो हमने पिंक एंड वाइट रबर बैंड से ली थी। साथ में एक हेयर बैंड था, ये छोटी छोटी से ना कैचर्स थे, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हमने गिफ्ट ना ये सारी चीज़ें डालने के लिए हमने एक छोटा सा पिंक कलर का बैग ले लिया था, ताकि उसके अंदर दें तो बहुत अच्छा सा लगे। और ये है फ्रॉक, फ्रॉक का लॉक खुलवा लिया है, और वो तो जुड़ गई थी साथ में, वो तो मसला नहीं होता, वो तो घर पे आके हम लोगों ने जोड़ दी थी। तो ये मुझे बहुत पिंक और वाइट बहुत प्यारी लगी, ये लिए है साथ में। और एक मैंने इसके लिए लिया था बैग, छोटू सा पिंक कलर का बैग था, वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए ये भी ले लेते हैं, क्योंकि बच्चियों को ना ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया। तो ये हम लोगों ने इसके लिए गिफ्ट ख़रीदा है, और बस ये थी शॉपिंग। और इसके साथ कुछ अपनी चीज़ें ली थी, ग्रोसरी भी करनी थी, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग बिल्कुल भी ग्रोसरी नहीं कर पाए। बर्थडे में पहनने के लिए मैंने ये ड्रेस निकाला था, जो कि बहुत अरसे से मेरी अलमारी में बस ऐसे पड़ा हुआ था, कोई ऐसा मौका नहीं आया जो मैं ये पहन सकूँ। बीच में रमज़ान और ईद गुजरे, लेकिन गर्मी बहुत थी तो बिल्कुल भी इसे पहनने का मौका नहीं मिला। ये ड्रेस मैंने लास्ट टाइम अपने भाई के बर्थडे पे पहना था, और अब काफ़ी अरसे बाद मैं आज पहनने वाली हूँ इसे। तो ये ड्रेस मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक एंड सैंड कलर का है, बहुत प्यारा सा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। तो मैंने सोचा कि मौसम भी अब अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, तो क्यों ना इस ड्रेस को पहन लिया जाए। साथ ही मैंने प्लान किया कि मैं इसके साथ ही सिंपल सी ब्लैक ईयरिंग्स पहनती हूँ और ये वाला ब्रेसलेट पहनती हूँ, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरा प्लान चेंज हो गया, जबकि ये बिल्कुल परफेक्टली मेरे ड्रेस के साथ जा रहा था, मैच हो रहा था, बट स्टिल मेरा प्लान एकदम से चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, बस दिल नहीं जा रहा ये पहनने का, तो सिंपली जो कानों में हल्की सी वालियाँ डली हैं वही ठीक है। ओके, तो फिर मैंने एंड टाइम पर अपना मूड चेंज। एंड दिस इज माई फाइनल लुक, ये मेरा ड्रेस लग रहा है इस तरह का, और काइंडली जो पीछे मैच है उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल माई मेकअप करीब आकर दिखा देती हूँ, जो कि इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि मुझे करना नहीं आता, बस जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने कर लिया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेबर्स के घर में, और मैंने यहाँ पर मेरे साथ खूब सारी मस्तियाँ करी है, और यहाँ पर एक क्लिप रिजवान ने बनाया था डेकोरेशन का, मैंने उनसे कहा था कि आप थोड़ा सा बना लें ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर अभी बर्थडे स्टार्ट होने वाली है, तो देखें जैसे भी कैंडल्स जली मना रहे फायदा एकदम से डर के पीछे हो गई, और हम लोगों ने बहुत फ़न किया। अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में, ये यहाँ पर बर्थडे केक कटने से पहले ही भाई ने और रिजवान ने स्नोफॉल कर करके सारा कहते ना एक तो पूरा रूम उनका खराब कर दिया, और साथ
आप लोग मेरी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब इंसान रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है तो उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना तेज़ बोल जाता है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने केक कट कर लिया है और रुफैदा सबको केक खिलाएगी, इसके बाद मना सबको केक खिलाएगी और हम लोगों ने बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। साथ में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नए व्लॉग में एक फ़न व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पर अब हम लोग अपनी बर्थडे इंजॉय करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ करूँगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।